गुड मॉर्निंग गाइस, आज है ऋषिकेश में हमारा दूसरा दिन और सुबह काफ़ी अच्छी है यहाँ की। आप लोगों को व्यूज़ दिखा दे रहा है ऐसे अपने कैंप का। ये हमारा कैंप है, ये हमारा 4-bed कैंप है, इसी में अटैच वॉशरूम भी है। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं ट्रैकिंग के लिए। चले चले ये हमारे ट्रैकिंग का रास्ता, हम अपने ट्रैकिंग के लिए जा रहे हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल बाइकर बाय चांस। और हम आज हमारा दूसरा दिन, आज हम ऋषिकेश से वापस निकल रहे दिल्ली नोएडा के लिए। और यहाँ पे हो रखा है बहुत ही गंदा वाला ट्रैफिक, इतना ज़्यादा गंदा ट्रैफिक है कि पूछो मत। एक्चुअली हम आधे घंटे से फंसे पड़े, गाड़ी एकदम धीरे धीरे एक या दो गियर में करके निकल रही है और बहुत ही गंदे तरीके से ट्रैफिक है, उतना ही ज़्यादा गंदा गर्मी हो रखा है यहाँ पे। सो अभी मैप पे दिखा रहा है, ये कम से कम मतलब पूरा मैप ही रेड कलर में दिखा रहा है कितना गंदा ट्रैफिक हो रखा है इधर को। हाँ, जस्ट पीछे तुम्हारे में राइट दबा के एक मिनट निकल रहा हूँ। भाई साहब गर्मी गर्मी। तो देख लो दोस्तों क्या है ऋषिकेश में हाल ट्रैफिक के। भाई मैं तो ये बोलूँगा यार, अगर गर्मियों की छुट्टी में कहीं निकलना है ना तो भाई कहीं और निकल लो, ऋषिकेश के लिए मत निकलो। बहुत ही गंदा ट्रैफिक हो रहा है यहाँ पे, बहुत ही गंदा ट्रैफिक, बाप रे बाप, हालत ख़राब होगी। हेलमेट के अंदर तो ऐसे हो रखा है जैसे लग रहा है सर मुंह चेहरा सब उबल रहा है, आलू हुए पड़े हैं, पसीने तो एकदम झरने की जैसे निकल रहे हैं।
भाई किसी और मौसम में आ जाना ऋषिकेश, बट इस मौसम में तो बिल्कुल भी नहीं। ट्रैफिक बहुत ही गंदा है, बहुत ज़्यादा गंदा ट्रैफिक है। मैं ट्रैफिक में क्या ही दिखाऊं, सो मैंने बस दिखा दिया क्या हाल हो रखा है ट्रैफिक का। आगे कहीं पे सही रास्ता देख के मैं कैमरे को कर देता हूँ ऑफ, जब थोड़ा सा रास्ता सही होगा और सीन या व्यू सही दिखेंगे, कुछ होगा दिखाने लायक, तो वहाँ पर कैमरा ऑन करेंगे। अभी तो हालत ख़राब है, अभी तो व्लॉगिंग करने का मन ही नहीं कर रहा है। एक तो एक तो ऐसी साला गर्मी से पसीने निकल रहे, बोलने से मुंह भी सूख रहा है, अपने ही पसीना मुंह के अंदर जा रहा है, तो ऐसा लग रहा है खारा पानी पी रहा मैं, इतना नमकीन हो रखा है, जबकि इतना पानी वानी पी रखा हो भाई। आंटी जी तो जाने नहीं दे रही हैं। अरे नहीं यार, बुढ़ापे में क्यों उनको ठेल नवा रहे हो। हाँ हाँ, आ जाओ, निकलो, मैं भी निकल गया। देख लो भैया, ऋषिकेश में क्या हालत हो रखी है, आधे घंटे से ऐसे ही चल रहे हैं, धीरे धीरे। एक या दो गियर में गाड़ी है, चार पांच की स्पीड में गाड़ी चल रही है। मुझे लग रहा है कि कम से कम एक घंटे तक हमें ऐसे ही चलना होगा जैसा मैप पे दिखा रहा है। भाई सच में यार, मतलब अगर आपने वीकेंड करना है ना, वीकेंड ट्रिप, ऋषिकेश तो ना ही आओ इस मौसम में, एकदम मत आओ, आपका सारा जो प्लान है ना चौपट हो जाएगा ट्रैफिक की वजह से। अब तो बस ऐसा करा सारा, बाइक उठा के कंधे पे रखूँ, कार के ऊपर दौड़ता हूँ लेकिन निकल जाऊँ, ऐसे हो रखा एकदम से। भाई मतलब सिंगल लेन में दो दो गाड़ियों की लेन लगी पड़ी है यार। मैं कैमरा कर रहा बंद, अब बहुत हो गया, अब नहीं होगा बकचोदी। तो ऐसा है दोस्तों, ट्रैफिक से तो हम निकल गए कैसे कैसे करके, अब ट्रैफिक नहीं आगे में, बट बहुत ज़ोर से प्यास लगी पड़ी है। बस आगे में कहीं ढाबा देखेंगे, और ढाबा या कुछ भी ऐसा जहाँ से ठंडा पानी मिल जाए पीने के लिए हमें, क्योंकि इतना पसीना निकला है ना, इतना पसीना निकला ट्रैफिक के अंदर कि बहुत ही बुरी तरीके से प्यास लगी हुई है। मेरे और दानिश दोनों की हालत ख़राब है, सिर्फ और सिर्फ गर्मी ट्रैफिक की वजह से। चल के देखते हैं कहाँ पे मिलता है ना राहत का सामान। और दानिश, हाँ कॉल आ गया था, आवाज़ आ रही है, ऑप्शन तो है बट पानी मिल जाना चाहिए ठंडा आज। हाँ वही देख रहा मैं, ये देखते हैं यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक का बोतल लगा रखा है, बंद है ऐसी बोतल है, बट गाड़ी यहाँ 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 भी वही हाल है, यहाँ भी वही हाल है यार। चलते रहो देखते पीछे पकड़ के यहाँ पे बैठे छाव है, यहाँ पे कुर्सी भी है, यहाँ पे लास्ट टाइम हमने पानी भी पिया था याद है गाड़ी के। पकड़ेगा यार, बिल्कुल पकड़ेगा, हाँ हाँ बिल्कुल पकड़ेगा। बट यहाँ क्या पिएगा, ठंडा होगा इसके पास, चाय के अलावा कुछ नहीं होगा। अरे भाई अभी ट्रैफिक से निकले थे साला, वापस से ट्रैफिक में आके फंस गए। चल रहा तो निकल गए तुम, चलो आ जाओ, चलो दानिश बाबू हमारे आगे निकल गए हैं ट्रैफिक में, वापस से फंस गए हम दोनों। अभी निकले थे 10 मिनट पहले ट्रैफिक से, मुझे लगा कि राहत मिलेगा, वापस साला यहाँ ट्रैफिक दिख गया। राहत अली, सही बात, आफत अली खान मिल गया राहत की वजह। ना ना ना, कीचड़ है कीचड़ है कीचड़ है कीचड़ है कीचड़ है,
आगे में निकल तो जाएंगे वैसे, बट हाँ ये और कीचड़ फैला रहा है, गाड़ी गंदी होगी, मत जाना लेफ्ट में। अरे भाई ऐसा है कि अब हो गया मेरा मूड वापस से ख़राब, क्योंकि फंस गए हम ट्रैफिक में, है ना। व्लॉगिंग के लिए मैं चला कैमरा बंद करने, क्योंकि या तो यहाँ पे मैं गाड़ी चला लूँ या फिर बकचोदी कर लूँ, दोनों एक साथ इस ट्रैफिक में नहीं हो पाएगा। सो ऐसा है कि ढाबे से निकल गए हम लोग, और ढाबे पे मैं कुछ व्लॉग नहीं कर पाया क्योंकि सारे के सारे बहुत एग्जॉस्टेड हो रखे थे, और ढाबा ही बड़ा छोटा सा था तो बहुत कुछ ऐसा खास मिला नहीं, कॉफ़ी तक नहीं मिली है, बस चाय पिया है। सो आगे चलेंगे, मुजफ्फरनगर में कोई रेस्टोरेंट है, सौरभ बता रहे थे, तो वहाँ चलेंगे और वहाँ पे देखते अगर कॉफ़ी वगैरह मिल जाए तो। बाकी रात का वक्त है, निकले थे हम लोग वहाँ से ऋषिकेश से 3 बजे, और ट्रैफिक में फंसने की वजह से यहाँ बज गया अभी 8:15, और दिल्ली है अभी कम से कम 160 किलोमीटर दूर। पहुँचने का टाइम दिखा रहा है 11:10 का। सो अगर हम मुजफ्फरनगर में थोड़ा सा रुकते भी है तो हमें अपने फ्लैट पे पहुँचते 11:30 या 12 तो आराम से हो जाएगा। बाकी रात का वक्त है तो बहुत ज़्यादा तेज चलेंगे भी नहीं, एक एवरेज स्पीड मेंटेन करके रखेंगे 80-90 का। और ऐसे रास्ते में कुछ खास दिखाने के लिए आप लोगों को है नहीं, बाकी थोड़ा सा वीडियो शूट कर ले रहा है, ऐसे देख लो आप ब्लॉग में। ये हम आ गए मेरठ एक्सप्रेस वे पे, काफ़ी आगे बहुत बुरे तरीके से भाई, मेरे जिंदगी का सबसे वाहियात ट्रिप रहा है ये, सबसे वाहियात ट्रैफिक के मामले में, इतना गंदा ट्रैफिक, इतना जाते वक्त आते वक्त, बाप रे बाप साला, मतलब ये ऐसा हो गया कि मैं दोबारा नहीं आना पसंद करूंगा ऋषिकेश में, हाँ एकदम नहीं, और इस सीजन में तो बिल्कुल भी नहीं, और वीकेंड पे तो किसी भी हाल में नहीं, बिग डे में तो इंसान सोच भी ले